नमस्कार, मैं हूँ निशा पाठक और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com। गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले ही बिजली के बिल की टेंशन सताने लगती है। कई लोग इसके डर से एसी भी कुछ ही घंटे चलाते हैं और इसी तरह के जुगाड़ करते रहते हैं। गर्मियों में बिजली की खपत सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इस दौरान पूरे घर में पंखे, एसी और कूलर चलते रहते हैं, साथ ही फ्रिज का टेम्परेचर भी हाई होता है। ऐसे में मीटर पर लोड लगातार बढ़ता रहता है और बिजली का बिल कई गुना ज़्यादा हो जाता है। कई लोगों का बिल गर्मियों में 5 से 10 हज़ार रुपये के बीच आता है। आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आप अपने बिजली बिल को कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ से कितनी यूनिट बिजली खर्च होती है। अगर आप 1000 वॉट के किसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को लगातार 1 घंटे तक इस्तेमाल करते हैं तो इसमें 1 यूनिट बिजली खर्च होती है। एसी आमतौर पर 2000 वॉट तक के होते हैं। ऐसे में अगर आप 5 घंटे एसी चलाते हैं तो आपकी 10 यूनिट तक बिजली खर्च होती है। इसी तरह आप बाकी चीज़ों का हिसाब लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ज़रूरी बातों का भी ध्यान रखना होगा। गर्मी के सीज़न में फ्रिज, कूलर, पंखा और एसी जैसे तमाम उपकरण चलते हैं जो भारी भरकम बिजली बिल इकट्ठा कर देते हैं। ऐसे में बिजली खर्च कम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पर ही इन्हें चलाना है। जिस उपकरण को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उसे बंद कर देना चाहिए। अगर आप रूम में नहीं हैं तो पंखा और बल्ब को ध्यान से बंद कर दें। फ्रिज का ढंग से रखरखाव भी करना ज़रूरी है। इस सीज़न में फ्रिज घंटों घंटों तक चलते रहते हैं। ऐसे में बिजली बिल बचाना है तो आपको सुनिश्चित करना है कि फ्रिज को बार बार ना खोला जाए ताकि उसमें कूलिंग बनी रहे। अगर आप उसे बिना बात के ओपन करेंगे तो आपको फ्रिज अधिक समय तक चलाना पड़ेगा जिसका सीधा असर बिजली बिल यानी आपकी जेब पर पड़ेगा। घर में LED लाइट लगवाएं। अगर आप नॉर्मल बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं तो भूल जाइए कि बिजली खर्च कम होगा। ये बल्ब बहुत ज़्यादा बिजली खर्च करते हैं, इसकी वजह से इनकी जगह पर आप LED लाइट उपयोग में ला सकते हैं। भले ही इनकी कीमत नॉर्मल बल्ब की तुलना में अधिक होती है लेकिन ये बहुत कम बिजली की खपत करते हैं। दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें ताकि गर्मियों के सीज़न में अगर आप AC चला रहे हैं तो उस जगह को पूरी तरह से बंद रखें। अगर रूम में AC चल रहा है और पर्दे, दरवाजे और खिड़कियां खुले हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। इन्हें बंद रखने पर बहुत कम समय में ही रूम ठंडा हो जाएगा। इस बात का भी ख्याल रखें कि कई लोग TV का रिमोट दबाकर सो जाते हैं। ऐसे में TV तो बंद हो जाती है लेकिन बिजली की सप्लाई पूरी तरह नहीं रुकती है, इसलिए TV का स्विच भी बंद करें। जो चीज़ लंबे समय से बंद हो उसकी पहले सर्विसिंग करवा लें, उसके बाद ही उसे इस्तेमाल करें। कई लोग स्विच बोर्ड के साथ एक लाल रंग का इंडिकेटर भी लगा देते हैं जिससे बिजली की खपत होती है। ऐसे में इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर AC चलाकर सोते हैं तो उसके साथ हल्का पंखा भी चला दें, इससे कमरा तेज़ी से ठंडा होता है। AC को चलाते हुए ध्यान रखें कि जितनी गर्मी हो उसी हिसाब से टेम्परेचर रखें, यानी अगर ज़्यादा गर्मी नहीं है तो रूम टेम्परेचर पर ही AC रखें। AC को 24 पर चलाना ही काफ़ी अच्छा होता है। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। टेक और गैजेट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लें पंजाब केसरी .com को।